जो एक किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में बताइए, आपकी क्या समझ है, कैसे देखते हैं आप किसान आंदोलन? जो ये किसान आंदोलन है आज, तो ये किसान आंदोलन ना बनके एक जन आंदोलन बन चुका है। बात जब से ये काले कानून संसद में पास किए गए हैं तो लगातार इसके खिलाफ वहाँ पे प्रोटेस्ट थे, ये लगातार जो प्रदर्शन चल रहे थे, तो हम पंजाब में तभी से इस प्रदर्शन में लगातार जुड़े हुए हैं कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में कंडीली तारें लगी हुई हैं, इसी तरह हरियाणा की सरकार ने पंजाब और हरियाणा के बीच में सीमाओं को सील किया, कंडीली तारें लगाई, कंडीली तारें लगा के साथ साथ लेयर जो बैरीगेट के लगाए, बाद में सड़कों को काटा। तो इस तरह की उन्होंने जो प्रॉब्लम्स खड़ी की कि किसान अपनी मांग को लेकर अपने देश की राजधानी में ना आ सकें, सबने मिल करके उस बैरीगेट को तोड़ा और उन सभी कंडीली तारों को खदेड़ते हुए दिल्ली की ओर कुछ किया। तो हमें इस बात की खुशी है कि हम उस आंदोलन का हिस्सा, जैसे 10 जून से थे तो उस दिन बॉर्डर तोड़ने वाले आंदोलन में भी हम उसमें शरीक रहे कि देश में जो ये इतिहास लिखा जा रहा है तो हम भी उस इतिहास का कहीं ना कहीं किसी कोने में शायद हम भी उसमें रहेंगे, क्योंकि हमने भी इसको पूरा लगातार हम इससे जुड़े हुए हैं। शुरुआत तो पंजाब के किसान ने किया था, अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग मांगों को लेकर और MSP को लेकर तो पूरे देश में ही था। एक बहुत बड़ा आंदोलन पिछले समय में हमारा महाराष्ट्र में रहा है, पैदल यात्रा, वो एक ऐतिहासिक आंदोलन रहा है। गढ़साना का आंदोलन हमारा राजस्थान का बहुत बड़ा एक आंदोलन जिसमें लाखों के लोग और गोलीकांड और लोग हमारे शहीद भी हुए हमारे ऑल इंडिया किसान सभा के, वो आंदोलन हमने पढ़े थे, देखे थे, पर इस आंदोलन को हमने समझा, महसूस किया है और हम उस आंदोलन का पार्ट हैं। सवाल हमारे किसानों के जो है कि तीन जो काले कानून है उसमें एक तो जो MSP का ये जो बोल रहे हैं कि MSP हमने दिया, तो हम MSP का कानून चाहते हैं। अगर MSP पे कानून होगा तो अगर MSP से कम खरीदने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको जेल होगी, और अगर व्यापारी नहीं आएगा तो सरकार उसके खरीदने की गारंटी करे। इसलिए सरकार खरीद की गारंटी के लिए कानून लेके आए ताकि जो अब भी MSP होने के बावजूद भी आपके पास के जो राज्यों में बिहार और UP का मैंने उदाहरण दिया है वहां पे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, तो ये दूसरे राज्यों में भी होगा। इसलिए MSP का कानून होना चाहिए और बाकी सभी चीजों पर होना चाहिए जो 22 का इन्होंने नाम दिया है और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं है और वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि हमारे सामने उदाहरण है ना, BSNL को फेल करवाया ना इन्होंने। BSNL हमारे देश में था, हमारे देश की व्यवस्था थी, इसमें हमारा सरकारी कर्मचारी काम कर रहा था, तो धीरे धीरे पहले कर्मचारियों की संख्या कम की और उसके बाद आप देख रहे हैं जिस देश का प्रधानमंत्री जियो धनाधन की एड देता हो तो उस देश का BSNL कैसे बच सकता है। तो इसीलिए जब प्राइवेट मंडी आ जाएंगी, एक दो बार अगर उन्होंने भाव दे भी दिया तो सरकारी मंडी और जो ये कमीशन एजेंट है ये सब समेट के अपने दूसरे किसी रास्ते पे निकल जाएंगे, तो अब उनका मनमर्जी चलेगा ना, जैसे प्याज में चल रहा है, तो अपनी मर्जी से पहले खरीद के स्टोर करेंगे। और वो तो पहले ही सरकार ने, आप देखो हरियाणा में नौलता है, पानीपत में वहां पे कितने बड़े गोदाम बनाए हैं, और वहां पे उन लोगों ने पंजाब में भी मोगा में अंबानी अडानी के बहुत बड़े गोदाम है, नाभा में बहुत बड़े गोदाम है, छाजली में बहुत बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं जिसमें सीधे ट्रक के ट्रक अंदर जाएंगे, तो हमारा लोगों के पास बचेगा क्या, काम भी नहीं बचेगा। हमारा मजदूर जो भराई का काम करता है, जराई का काम करता है, लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है, तो हमारा करोड़ों मजदूर भी बेरोजगार होगा और किसान तो बेहाल हो गए। कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग का रिजल्ट हम पंजाब में देख चुके हैं, ये तो कल को बोलेंगे हमें कणक धान नहीं चाहिए, अब तो फीम की खेती है, आपको हम तो फीम की खेती चाहिए, तो उनकी मर्जी से कैसे किसान खेती करेगा। किसान तो अपनी जमीन को अपनी औलाद से ज्यादा संभाल के रखता है, 2 महीने पहले प्लान करता है कि मुझे उसमें क्या बिजाई करना है। और कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग का जो पंजाब में PepsiCo का प्लांट लगा था वहां पे आलू और टमाटर का खेती करवाया गया था, जब किसान ने ज्यादा आलू लगाया तो वहां पे कड़े का एक साइज लेके आए, किस कड़े से जो आलू निकलेगा वही आलू हम खरीदेंगे, उससे छोटा आलू भी नहीं खरीदेंगे, उससे बड़ा आलू भी नहीं खरीदेंगे। और किसानों की आलू की फसल सड़कों पे गई थी और टमाटर भी ऐसे ही गया था, तो इसलिए ये हम लोगों को गुलाम करना चाहते हैं। तो किसान का अपना मर्जी हो, वो क्या बीजना चाहता है, उसका बुआई उसको कब करना है, उसमें कौन सा पेस्टिसाइड डालना है। नहीं तो हमारे सामने है ना गन्ना, UP में आप देखो कितना करोड़ों का गन्ना लोगों का खड़ा है, उसके भी तो रूल में लिखा ना इतने दिन में पेमेंट होगी, जो 2-2 साल पेमेंट नहीं है तो इनके रूल कैसे होंगे। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग तो बिल्कुल भी किसान की सेहत के लिए अच्छी है ही नहीं, ये तीनों कानून बिल्कुल काले हैं और ये तीनों कानून नहीं है, ये किसानों के डेथ के वारंट हैं जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जखीरेबाजी को लेकर के देश के अंदर पहले एक सीमा थी कि हम एक सीमा तक स्टोर कर सकते हैं,
तो जब ये सीमा होने के बावजूद भी हमारे यहाँ के जखीरेबाजों ने इतनी लूट मचाई हुई है, जिसका उदाहरण है कि जब हमारे किसान के पास प्याज होता है तो वो 2 रुपये किलो से 5 रुपये किलो तक जाता नहीं है, और जब ये हमारा प्याज किसानों से निकल करके जखीरेबाज के पास चला जाता है तो हर साल ये प्याज 100 से 150 की सीमा पे चला जाता है। तो ये सीमा होने के बाद भी जब इतनी जखीरेबाजी है, तो जब सरकार इसको जखीरेबाजी को खत्म ही कर रही है, तो इसे आप आइडिया लगा लीजिए कि जैसे 7 रुपये किलो मक्की हमसे लोगों से खरीदते हैं और उसकी 1850 मक्की का MSP होने के बाद भी वो मक्की MSP पे खरीदी नहीं जा रही है। 2 राज्यों में MSP पे क्या खरीदा जा रहा है, एक गेहूं और दूसरा चावल, जो धान की फसल होती है। तो MSP होने के बाद भी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का किसान 800, 900 और 1000 रुपए तक धान बेचने के लिए मजबूर है, बिहार में 700 और 800 में बिक रही है MSP होने के बाद भी। तो हमारा जो ये जखीराबाजी का चला जाएगा, तो जो 7 रुपये 8 रुपये किलो मक्की खरीद के आज हम जाए तो मोल में 100 रुपये 150 रुपये किलो आटा चल रहा है, तो यही हालात जो हमारी गेहूं और चावल का जो मुख्य फसल हमारी खाने के काम में आती है लगातार हर घर में, देश का किसी भी राज्य में, इन दोनों फसलों के बिना किसी के घर में खाना नहीं पकता है। तो इसलिए तो ये जो लोगों के घरों में हम लोग अनाज की बोरियां रखते हैं या अनाज के डैम रखते हैं वो तो खत्म ही हो जाएंगे। तो 150 रुपये का खाना है जो ये जखीरेबाजी जो खत्म हो जाएगी, तो हमारे थाली से रोटी चली जाएगी, दाल चली गई, सब्जी चली गई, दूध चला गया, महंगाई में तो एक रोटी बची थी वो रोटी भी चली जाएगी अगर ये कानून लागू होता है जखीरेबाजी का, जो इन्होंने अगर इसको रद्द नहीं किया गया तो हमारा जो खपतकार है वो किसान से भी ज्यादा इससे परेशान होगा। इसलिए जो ये समस्या पूरे देश की समस्या है, अकेले किसान की समस्या नहीं है। हमारी मांग ये है कि एक तो जो 3 काले कानून लेके आए हैं किसान विरोधी, ये तीनों वापस किए जाएं। जो ये बिजली का बिल लेके आए हैं 2020 अभी बोल रही है तो ड्राफ्ट है, वो वापस हो। तीसरा, जो इन्होंने एनवायरमेंट के नाम पे 1 करोड़ का जुर्माना किसान के ऊपर लगाने का उसमें किया है वो रद्द हो। ये इन डिमांड्स को लेकर MSP कानून बने, इनको लेके किसान आंदोलन है और ये हम जीत के जाएंगे, हमारा मन इस बात की गवाही भरता है।